नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी हमें एक सूचना मिली थी, बीपीटीपी पार्क इलीट प्रीमियम सोसाइटी के सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए और उसकी वजह थी जो एसटीपी का गंदा पानी होता है, प्रदूषित सीवरेज का पानी, वो पीने के पानी में मिक्स हो गया और जिसकी वजह से पानी संक्रमित हो गया और उसकी वजह से बीमारियाँ फैली। बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग सभी बीमार हो गए। कम से कम 200 लोग बताए जा रहे हैं जो बीमार हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और बीपीटीपी की सोसाइटी है, सेक्टर 83 है भैया, क्या है, सेक्टर 84 है, पार्क इलीट प्रीमियम सोसाइटी। दिखाइए इधर, ये देखिए, पार्क इलीट प्रीमियम सोसाइटी सेक्टर 84 में ये सोसाइटी है। इससे पहले भी हमने आपको यहाँ की वीडियो दिखाई है, कभी स्लैब गिर जाता है, कभी जो प्लास्टर होता है वो गिर जाता है, कोई ईंट पत्थर गिर जाता है, गाड़ियाँ डैमेज जो हो जाती हैं, फ्लैट की क्वालिटी हमने आपको दिखाई बहुत ख़राब है। ये सब समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन आज ये जो समस्या आई है पीने के पानी की, तो सबसे बड़ी है, सैकड़ों लोगों को बीमार भी कर दिया है। तो कौन बताएगा पूरे मामले की जानकारी किसको है? तिवारी जी आप ही बताएंगे, RWA प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ और ये लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। हमने सूचना मिली थी, अब ये बताएंगे क्या मामला। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जो मेंटेनेंस एजेंसी है उसने जो डोमेस्टिक वाटर का टैंक है उसमें एसटीपी का पानी फिल कर दिया 18 तारीख की लेट लाइट या 19 तारीख को सुबह में। जब हमें पता चला तो इन्हें बताया गया। गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ? देखो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गलती से हुआ है या जानबूझकर, बट बहुत बड़ा ब्लंडर है और नेग्लिजेंस है। सबसे बड़ा तो जो इनकी प्रोजेक्ट टीम या जो MEP टीम है जिसने उस सिस्टम को डिजाइन किया है। हम अपने घर में भी छोटा काम करते हैं तो रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं। इनको किसी की परवाह नहीं है पैसे के अलावा। इन्होंने इतना बड़ा रिस्क वहाँ पर छोड़ रखा है कि कोई भी जाके लीवर को घुमा देगा तो भैया टंकी में पीने के पानी में एसटीपी का पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो गलती से हुआ है या जानबूझ के किया है वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बट ये 19 तारीख को दिन में इन्होंने टंकी साफ कराई और हमें बोल दिया 5 बजे आप यूज करो। ठीक है, लोगों ने पानी यूज करना शुरू किया। 20 तारीख को कल करीब 10-15 लोग बीमार पड़े। उसके बाद आज सुबह से लगभग 200 से प्लस लोग जो हैं सोसाइटी के, जिनको वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, 6 या 7 लोग एडमिट हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। सुबह तो यहाँ पे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन थी, फाइनली हमें 2 हॉस्पिटल की हेल्प लेनी पड़ी। खेड़ी CHC से CMO को बुलाया गया, उनकी टीम थी। एकॉर्ड हॉस्पिटल से 10 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने लगभग 150 प्लस लोगों का इलाज यहाँ पे किया और जिनका नहीं हो पाया वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट होकर ड्रिप ले रहे हैं। ये समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब जिम्मेदारी दूर करने के बजाय इन्होंने स्टेट मैनेजर को सिंपली हटा दिया। 2 दिन से यहाँ पे इनका स्टेट मैनेजर भी नहीं है, कल भी स्टेट मैनेजर नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब उस स्टेट मैनेजर को बलि का बकरा बना लिया। लेकिन जब मेन प्रॉब्लम यह है कि तुमने इनकम्प्लीट STP छोड़ा हुआ है, जो प्रोजेक्ट वाले बैठे हुए हैं, आपस की इनकी कहानियाँ हैं BPTP वर्सेज मेंटेनेंस और चलती रहती हैं, और जिसका सफ़र हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी OC एक सेकेंडरी इशू, अब तो रह रहे हैं तो पानी में भी पैसा देने के बाद पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है। ये है, आप इतने सारे लोगों को देखोगे यहाँ पे, कुछ बच्चे भी बीमार हुए हैं। हाँ, बच्चे बीमार हैं अभी भी, जैसे F505 के 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, F Altaor के बच्चे एडमिट हैं, कुछ बच्चे घर पर इलाज करा। कोई ऐसी फैमिली, मतलब आप ये लेके चलो कि 130 फैमिली आउट ऑफ 400 में 130 से 150 फैमिली में से पर फैमिली 2 से 3 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा लोग इस समय सफ़र कर रहे हैं। थैंक्स गॉड कि आज सुबह हमें हेल्प मिल गई एकॉर्ड हॉस्पिटल से और जो खेड़ी CHC टीम है वो यहाँ पे आई और लोगों को मेडिकल रिलीफ मिला है। ये सिचुएशन है आज की। तो एक डर का भी माहौल है, हमने सुना है सभी डरे हुए हैं यहाँ पर। डर का माहौल तो रहेगा ही ना, मतलब देखो पानी आ जाए प्रदूषित, कब बीमार पड़ जाएं लोग। हाँ, तो जब अगर अगर जिसको ये जिम्मेदारी है, जो इतने मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, नेगलिज कह रहे हैं कि एक नया लड़का आ गया और उसने कर दिया, भाई नया लड़का डिप्लॉय क्यों किया आपने, आपकी जिम्मेदारी क्या है? वो भी उसको भी बलि का बकरिया बनाया जाए, कहानी कुछ और है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल के आने की। आप में से किसी के परिवार का सदस्य बीमार पड़ा है, जो भी आए हैं आप लोग? सर आप बताइए कुछ। सर देखो, स्थिति तो खराब हुई है पानी की वजह से, ये तो मेन है, लेकिन उसका मेन कारण जो है, हम ये कहेंगे जो इन्होंने सिस्टम कर रखा है वो ठीक नहीं है। कभी पीने पानी का और हमारे एसटीपी के पानी की लाइन एक जगह एक साथ नहीं होनी चाहिए। वो वॉल कोई भी खोल देता है, हुआ है, लेकिन थोड़ा भाई बीमार लोग तो हुए हैं, गर्मी का टाइम है, पेट में इन्फेक्शन तो वैसे भी हो रहा है लोगों को,
तो वोमिटिंग और थोड़ा डायरिया की प्रॉब्लम लोगों को हुई है, और इतना भी पैंडेमिक नहीं है कि जितना बना दिया जाए। ठीक है, अब सप्लाई रेगुलर है, ठीक भी है, लेकिन अभी हम डरे हुए तो हैं, पानी यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी 90% घरों में है, वैसे तो आरओ का पानी यूज होता है। टैप का तो कहाँ से ले आ रहे हैं पानी? पानी तो वैसे हमारे आरडब्ल्यू के प्रेजिडेंट साहब ने जो है तुरंत ही आनंद फानंद में आरओ मेड गाड़ी मंगाई गई थी यहीं, जो कि सोसाइटी में ये बोल दिया गया खर्चा भी करना कि आपने अब टैप का पानी या कोई भी सोसाइटी का सप्लाई का पानी यूज़ नहीं करना है, अब सिर्फ आरओ ही नीचे से आप ले जाओ जिसकी रिक्वायरमेंट है, और जो हमारा टैंक है वो साफ़ करवाया गया है। देखो कोशिश तो सारी की जा रही है, एफर्ट्स अब हमारे सिर्फ यही है कि सभी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। हम यही चाहते हैं भविष्य में नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है? मैं रंजना बोल रही हूँ। अभी तो यहाँ पर पैंडेमिक फैली, कुछ लोग बीमार भी हो गए, तो आपने क्या महसूस किया ये बताइए? मैंने क्या महसूस किया, मेरे घर में बीमार है, मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, मेरे 2.5 साल का भतीजा है वो बीमार हो रखा है, और वही है बॉडी पेन, सर दर्द, लूज मोशन। मतलब अचानक हुई है बीमारियाँ? नहीं, अचानक नहीं, कल से हुई है। यानी पानी पीने के बाद हुई है? पानी जो गंदा पानी है वो हमारे टैंक में, पीने वाले टैंक में भर दिया, तो ये तो होना था, तो ये किस बात का हमसे मेंटेनेंस ले रहे हैं? यहीं पर रहते हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं, हमारा अपना फ्लैट है यहाँ पे। अभी भी डर का माहौल होगा, आप लोग डरे हुए? वो तो है ही है, पानी ऐसी चीज है, पानी के बिना तो आप फालतू का खर्चा भी हो रहा होगा, आरओ पानी खरीदने में। हाँ जी, सबका खर्चा हो रहा होगा। हाँ जी भाई, बिल्कुल सबका खर्चा है। मेंटेनेंस लेते हैं तो इसका मतलब ये ना कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए ना। मेरे खुद के घर में 5 मेंबर में से 3 मेंबर बीमार हैं, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी मदर इन लॉ। अभी सुना था यहाँ पर ब्लैक आउट भी हो गया था, लाइट चली गई थी 1-2 दिन पहले। हाँ जी, ये तो होता रहता है, जबकि सरकार कह रही है पावर कट नहीं लग रहे हैं 5-7 दिनों से, हमने समस्या का समाधान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस किस बात कर ले रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पूरी। नाम क्या है मैडम? कीर्ति। और कोई कुछ कहना चाहता है आप मैडम? हाँ जी, समस्या के बारे में। हाँ, मेरा नाम कविता है, और इस प्रॉब्लम के बाद हम कार्टन्स एंड कार्टन्स बिस्लेरी वाटर हम घर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कब वो पानी गंदा आए और हम परेशान हो जाए, इससे अच्छा है कि सेफ साइड में रहें और अपना बिस्लेरी वाटर लेके आए, और बट उसे हम सिर्फ पानी पी सकते हैं ना, मतलब खाना बनाने के लिए भी अगर हम बिस्लेरी पानी लाते रहे तो इट्स गोइंग टू एड अप टू आवर कॉस्ट, राइट? सो टू बी ऑन द सेफर साइड, सभी लोग यही कर रहे हैं, कार्टन्स लेके आ रहे हैं, पानी के बॉटल्स लेके आ रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन, राइट? तो आप जो बता रहे हैं, कई बार जो कॉलोनी में होता है, जो टैंकर माफिया होते हैं, वो जानबूझकर पानी को गंदा कर देते हैं ताकि लोग टैंकर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, और वो खुद टैंकर वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं कॉलोनी में जहां पर पानी गंदा आना शुरू हो, उनको पता है पब्लिक हमसे ही खरीदेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ये जानबूझकर भी हो जाता है, हालांकि यहाँ पर जाँच का विषय है गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ है, लेकिन आपका ऊपर का खर्चा तो हो ही रहा है, फालतू का खर्चा तो हो ही रहा है। एक बात ये भी है कि जो है आप सर यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी गलती तो है कि मेन प्रोजेक्ट वालों ने ढंग से एसटीपी के पास ये अपना पानी का ऑप्शन नहीं रखना चाहिए था। ये कोई भी बच्चा जाके कभी भी किसी, कोई भी किसी से भी हो सकती है मिस्टेक, ये कल अननोन बंदा वहाँ पे आया जिसको नॉलेज नहीं थी, उसने ये ओपन कर दिया, ठीक है, ये ब्लंडर जो हुआ है सोसाइटी के अंदर, ये दोबारा पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, और ये दोबारा अगर इस सोसाइटी में ऐसा चीज़ चलता रहा तो ये सोसाइटी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मैं तो ये चाहूँगा इसके ऊपर बहुत एक्शन हो, और मतलब BPMS के अगेंस्ट जितने भी BPMS के लोग हैं, यहाँ पे कोई भी एक्शन ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आधे लोग अपना कोई हाउसकीपिंग से दुखी हैं, यहाँ पे अभी तक OC नहीं आई सोसाइटी में, 6 टावरों की OC नहीं आ रखी अभी तक, तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। देखिए टेक्निकली क्या होता है, दोनों लाइन कभी भी कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, कोई वाल्व नहीं है, कोई उनमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों सेपरेट लाइन होती हैं। आप सीवर का पानी जो फ्लशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मेन डोमेस्टिक लाइन में कैसे जोड़ सकते हैं? कहीं भी डिजाइन का फॉल्ट है, प्रोजेक्ट टीम का फॉल्ट है, और कोई मैसन, कोई इनका प्लम्बर, कोई भी टेक्निकल आदमी जो है ना स्किल्ड नहीं है, सब सड़क से पकड़े हुए ये मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर, और मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब भी आप काम के लिए बुलाएंगे बिल्कुल घटिया काम करेंगे, और इनको पैसे पूरे चाहिए, मेंटेनेंस पूरा चाहिए, लाखों रुपए इनको हो रहा है, और ये कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ये मैनेजर्स, DGM और सारे बैठ के ऑफिस में मस्त रहते हैं, तो पैसे ज़्यादा कमाते हैं और खर्चा कम करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेम्पररी काम कराते हैं। टेम्पररी काम है, किसी को भी पकड़ लिया। हमारी दो मूल सुविधाएं हैं, हमें पानी और बिजली,
ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और जो प्राइवेट कॉलोनाइजर या जो सोसाइटी का ओनर है उसकी भी जिम्मेवारी है। जब हम पेड़ कर रहे हैं उसके बाद भी हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। अब इतने लोग बीमार हुए हैं, मेरी मदर 78 इयर्स ओल्ड हैं, मेरे 5 में से 4 मेंबर बीमार हैं, मैं खुद परेशान हूं कल से, मैं ऑफिस जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मुझे कहीं भी कैसे संभालना है। मैं तो सुबह हॉस्पिटल लेके जा रहा था उनको एडमिट कराने के लिए, वो तो RW ने अरेंजमेंट किया तो डॉक्टर्स आ गए थे, यहाँ पे हमें मिल गया फिर भी मेडिकल एड। सभी लोगों के घर में ये हाल है, 300-400 लोगों ने आज मेडिकेशन यहाँ से लिया है, सपोर्ट लिया है जो RW ने अरेंजमेंट किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे वोमिट कर रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सब बड़े छोटे ग्रोथ रुक जाती है, रात में सो नहीं पा रहे बच्चे, रात भर वोमिटिंग कर रहे हैं, एकदम बड़े मॉर्निंग से पूरी रात हम लोग जगते रहे हैं। ये देखिए सीजन खुद इस टाइम बीमारियों का है, गर्मी में वैसे भी डायरिया वगैरह जो होता है और यदि इसकी वजह से सभी बीमारियां पानी की है मेन कारण। अभी अभी क्या नाम? राजेंद्र है मेरा नाम। क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे को दिक्कत वही डायरिया, पेट में दर्द है और अभी 5 बजे फीवर हो गया मेरे को, फीवर हो रहा है मेरे को 100 डिग्री। चलो ध्यान रखिए। हाँ ध्यान साफ सुथरा सभी ध्यान रखने अपना, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है। क्या कहते हैं इस समय जो BPA जो इस तरह की जो गलती हुई है इससे भी जो है BPMS से और इससे, इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं, सुविधा हो गई गलती चलो कम से कम अपनी सुविधा तो देना चालू करें। हमारे तिवारी जी हैं जो RW के प्रेसिडेंट हैं, बेचारे 2 दिन से दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पर और पूरी सुविधा अपना मुहैया जितनी हो सकती है RW के व्याप पे, पर्सनल व्याप पे, जो भी है जितनी हो सकती है वो लगे हुए हैं। कोई भी बंदा देखने तक नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। एटलीस्ट आपके इम्प्लाई ने मेंटेनेंसी जिसने भी गलती कर दिया, लेकिन आप किसी बंदे को तो भेजो यहाँ पे, भाई जाके देखो रेजिडेंट किस हालत में, मैं क्या रिलीफ दिया जा सकता है। ये कोई सिंगल पर्सन नहीं है वहाँ एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 19 तारीख को ये हुआ, 19 तारीख को थे BPMS के स्टाफ, 19 को थे, बट आप देखो इतना सीरियस होने के बाद 20 तारीख को ना स्टेट मैनेजर है यहाँ पे, ना कोई सीनियर ऑफिशियल है, आज 21 तारीख को कोई नहीं है, 19 तारीख को इन्हें पानी का सैंपल लेके लेबोरेटरी भेजना चाहिए था, उसको टेस्ट कराना चाहिए था, उसके बाद लोगों को बोलना चाहिए था कि आप पानी, बट इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स इनके यहाँ है, इतनी चीज़ें हैं, इन्होंने 19 तारीख को शाम को रेसिडेंट को माई गेट पे मैसेज फ्लोट करा दिया, हमें लिख के दे दिया कि अब सब कुछ ठीक है आप पानी यूज करो, और गायब हो गए यहाँ से, स्टेट मैनेजर को हटा दिया। अरे इतनी क्राइसिस का टाइम है, तुम स्टेट मैनेजर को 4 दिन बाद हटा लो, हटाना था तुमको जो जिस बंदे ने STP फॉल्टी डिजाइन किया है, जो प्रोजेक्ट टीम बैठ के यहाँ पे अपनी गुंडागर्दी चला रही है, या जो अपनी इनकी आपस की कंट्राडिक्शन हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको वेट कर लो यार, अभी तो हाहाकार मचा हुआ है ना, मेरे से पूछा जा रहा है कि पुलिस को, मैं सब कुछ करेंगे, वेट करो भाई, प्रायोरिटी क्या है मेरी प्रायोरिटी है कि लोगों को पानी मिलने लगे, जो बीमार है उनको इलाज मिलने लगे। आज हमने दोनों डॉक्टर्स का जो कैंप लगा, लगभग 200 लोगों का इलाज हुआ, आज हमने अपने कॉस्ट के ऊपर 13.5 टावरों से पानी की सैंपलिंग लेके गुड़गांव लैब भेजा है ISO 10500 के अकॉर्डिंग उनकी टेस्टिंग करने के लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में अगले 4 से 5 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी, देन हम डिसाइड करेंगे करना क्या। आइडियली ये उनको करना चाहिए था, 19 तारीख को ही करना चाहिए था, बट इतनी इंटरनल इनकी कहानियां हैं कि 19 तारीख को इनकी स्टाफ आया, साफ सुफ करा दिया, स्टेट मैनेजर को हटा दिया, 20 तारीख इतना क्राइसिस होने के बाद 20 तारीख को ना साइट पे स्टेट मैनेजर है, ना इनका GM है, ना कोई और है, आज 21 तारीख को साइट पे इनका कोई बंदा नहीं है, वो प्रॉब्लम है सर। इवन आज भी इनको चाहिए हर 6 महीने में खुद ही पानी की जांच कराते रहें, सैंपल जो है टेस्ट के लिए भेजते हैं। पानी में आज भी स्मेल है, अभी भी सुबह मैंने कंप्लेंट करी इनके मेंटेनेंस में, उन्होंने बोला हम फ्लश कर देंगे टैंक को आज शाम 5 बजे तक, लेकिन अभी तक फ्लश नहीं हुआ है, उसमें स्मेल आ रही है, हाथ में लेके पानी सूंघेंगे स्मेल है उसके अंदर, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपका घर ठीक कर दिया सर? हाँ मेरा घर मेंटेनेंस की लिहाज से तो अभी चल रहा है, वर्क कंप्लीट तो नहीं हुआ। गिरते थे पत्थर, हाँ, गिरते थे, अभी तो उन पे मेंटेनेंस तो हुई है, आपके न्यूज़ के बाद एक्शन तो हुआ है कि इन्होंने मेंटेनेंस की टीम इनकी आई है और वर्क कर रही है, वो चल रहा है अभी, चलो काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, देखते हैं, आप लोग ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, हालांकि अभी तो खर्चा करना पड़ रहा है, RO खरीदना पड़ रहा है पीने के लिए, लेकिन ये कब तक करेंगे ये सब बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट खर्चे का नहीं है, जो हम यहाँ पे 4-5 thousand मेंटेनेंस पे करते हैं ना, दैट इज फॉर आवर सेफ्टी और जो फैसिलिटीज है, नहीं तो अपना घर बना के कोई भी रह सकता है, हम क्यों? राइट है आपका, राइट है, चूजिंग द सोसाइटी, ड्रिंकिंग वाटर आपका राइट, फैसिलिटी के लिए ना। अब 6:45 पे हमारे बच्चे बस बोर्ड कर लेते हैं सुबह, तो मेरे बेटे को तो उसने तो पता ही नहीं, वो नहा के वो जा चुका है, फिर कल रात से वो वॉमिटिंग कर रहा है, छोटा बच्चा है 7 साल का,
तो वो हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पैसे भी खर्च करूंगी, सब कुछ करूंगी, बट पॉइंट ये है ना कि बीपीएमएस क्या कर रहा है सोसाइटी, वो उनका फर्ज था, ये आरडब्ल्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, बट तुम क्या कर रहे हो? तब हम उनको पैसे पे करते हैं, पैसे हमारे उनके पास जाते हैं, तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी हेल्थ, हमारा पानी, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, चाहे बिजली हो, पानी हो, जो भी हो, एकदम। और एक मैसेज डाल देने से, या सभी लोग जानते हैं भैया पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, खाना पूर्ति के नाम पे एक माइगेट पे मैसेज डाल देते हैं, मैसेज डाल देने से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। आपके स्टाफ ने जो भी ब्लंडर किया, आप यहाँ पे बैठ के प्रॉपर रेक्टिफाई करो ना, रेजिडेंट की सुनो। पॉइंट इस कि एक नया बंदा पानी की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कैसे लगा सकते हो? हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमें ये कह दो तुम कि भाई नया बंदा था, उसने इधर का पाइप उधर कर दिया, वो कैसे हो सकता है? आप क्यों एक नए बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वहाँ पे? आप तो पीछे हट रहे हो कि सिर्फ अब हम ये कहेंगे कि उसको हटाओ या कुछ करो, दैट इज कभी भी हो जाएगा ना, नहीं दैट इज नॉट द मैटर। वो तो कभी तुम दोबारा दूसरा बंदा, हर महीने दूसरा बंदा लगाते रहोगे तो हम यही फिर यही करते रहेंगे। बंदे हाँ, लोग बोलते हैं हमें सैलरी नहीं मिलती तो इसलिए वो सफाई नहीं करते, हम उन्हें कुछ कहे ना कि ये साफ नहीं है तो कह रहे मैम तनख्वाह ही नहीं मिलती हमें, तो हम क्या करें? बट वो चीज हमारा इशू तो मेन है ना, हेल्थ इशू तो देखो कोई वो बेयर नहीं कर सकता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार होगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो मैं तो कंप्लेंट करूंगी, मैं एक्शन भी लूंगी। तो अगर 100-200 बच्चे बीमार हो रहे हैं, और अभी बड़ों को तो ये आधों को तो पता ही 2-4 दिन बाद चलेगा जब उनके हेल्थ इशूज होंगे, उनकी तो फिर भी इम्यूनिटी है, बच्चों की तो नहीं है ना। वो तो इतना गंदा, जितना गंदा पानी वो था, सीवरेज का पानी भी उससे मतलब बेटर होगा जितना गंदा पानी उस दिन आया, और 3 बजे तक लोग घर पे बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं कि कुछ नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा। तो गार्ड को भेजना चाहिए था, गार्ड को किस लिए रखा जाता है? इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि पानी गंदा है, इसको यूज ना किया जाए। अगले दिन दोपहर को 12 बजे गार्ड भेजा जा रहा है, वो भी खाली पेपर लेके कह रहे हैं कि इस पे साइन कर दो कि टंकी में गंदा पानी है, तो वो साफ कराई जा रही है। तभी भी ये बोला जा रहा है कि सफाई हो रही है, मैटर नहीं बताया जा रहा है, हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि गंदा पानी यहाँ कैसे आ गया। खाना बनाया, सब लोग नहाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई अगर प्रॉब्लम हो भी गया, कुछ हुआ भी है तो इन्फॉर्म करो, हम तुम कुछ मत करो, हम अपनी अरेंजमेंट खुद कर लेंगे, इतना सब सेल्फ सफिशिएंट है, आप इन्फॉर्म कर दो, हम अपने बच्चों को वो पानी पिलाएंगे ही नहीं, चाहे मुझे चाहे 2000 का पानी खरीदना पड़े, बट वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सप्लाई बंद कर देते, ऊपर से कोई पानी यूज नहीं करता, जो सुबह जिनको जॉब पे जल्दी जाना होता है वो लोग तो सब करके चले गए ना, इतनी जल्दी में कहाँ पता चलता है? वो तो बाद में जब अगले दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो समझ में आया कि इस पानी की वजह से हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। जनरेटर सेट जो है अभी बता रहे हैं पानी में भी स्मेल आ रही है, पानी में स्मेल है और डिजिसेट चलता है पूरा दिन, 24/7 द डिजिसेट इज वर्किंग अभी, पैसे बनाने के लिए होता है। जी सर, बिकॉज पर यूनिट का आपको पता ही है, मनी मशीन हो गई, गर्मी में पैसे कमा लेते हैं अच्छे खासे, बट इज दैट इतना चल रहा है यहाँ पे यूनिट? बताइए कि फरीदाबाद में पावर कट्स पर यूनिट कितना चल रहा है? 28 रुपए यूनिट चार्ज, 28 रुपए तो बहुत ज्यादा है जी। आप मुझे बताइए कि फरीदाबाद में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इश्यू? अभी पावर कट नहीं लग, नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोज हो रहा है, बीजेपी के मौजूद है, एवरी डे वी आर फेसिंग पावर कट, हमारे यहाँ पे डीजी चल रहा है, हमारे कुछ नहीं चल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ की जो सोसाइटी वालों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी जो अभी समस्या हुई वो पीने के पानी की हुई है, जिसमें इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से डिजीजेज हुई, प्रॉब्लम्स हुई, समस्याएं हुई। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बीपीटीपी और बीपीएमएस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो पानी के अगेंस्ट जो बच्चे बीमार हुए हैं, ये डैट इज नॉट एफोर्डेबल टू ऑल। तो सर कार्रवाई चाहते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।